नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज शनिवार 5 अक्टूबर को वोटिंग हो रही है और इस चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों पर हो रही इस वोटिंग में सत्तारूढ़ बीजेपी समेत कांग्रेस, INLD, आम आदमी पार्टी और JJP जैसे प्रमुख दलों के 1000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 101 महिलाएं हैं। अब बात करें वोटर्स की तो हरियाणा के 2,03,54,350 वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 1,07,75,957 पुरुष और 95,77,926 महिला वोटर्स हैं। वहीं अन्य वोटर्स की संख्या 467 है। वोटिंग के लिए प्रदेश में 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अब इस चुनाव में अगर प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से और महिला पहलवान विनेश फोगाट चुलाना सीट से उम्मीदवार हैं। हरियाणा में जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने और मतदान कर एक नया रिकॉर्ड कायम करें। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि वीर भूमि हरियाणा की जनता आज प्रदेश में मतदान करने जा रही है। आपका एक वोट हरियाणा को खर्ची पर्ची राज, भ्रष्टाचार और डीलरों से मुक्त रखने का काम करेगा। सभी बहनों और भाइयों से मेरा आग्रह है कि वे विकास की गति को बनाए रखने और सरकार को एक जिले से बाहर निकालकर हरियाणा के गांव-गांव तक पहुंचाने वाली सरकार को चुनने के लिए वोट अवश्य करें। झूठे वादों वाली नहीं बल्कि विकास और सुशासन के ट्रैक रिकॉर्ड वाली सरकार ही हरियाणा का कल्याण कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि पहले मतदान, फिर जलपान। वोट डालने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं हरियाणा की जनता से अनुरोध करूंगा कि मतदान जरूर करें। हरियाणा का मूड साफ दिख रहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है। 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में जबरदस्त काम किया है। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। हरियाणा ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जनता के मन में क्या है ये सब जानते हैं। 8 तारीख को सब साफ हो जाएगा। 2014 के चुनाव परिणाम से बेहतर नतीजा इस बार आएगा और हम 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार और महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना वोट डालने के बाद चुनाव को लेकर कहा कि ये बहुत बड़ा उत्साह का दिन है। उन्होंने कहा कि सब वोट करने जरूर जाएं। 10 साल पहले जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब खेल का स्तर बहुत अलग था। हरियाणा में जितने वर्ग हैं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले निशानेबाज मनु भाकर ने भी वोट डाला। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस देश का युवा होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना वोट डालें और जो भी आपको इस देश के लिए उम्दा नेता लगता है उसके लिए वोट करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे कदम ही ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। मनु भाकर ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। मुझे पहली बार वोट डालने का मौका मिला तो मैं बहुत उत्साहित थी। संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC ने देश में शीर्ष विनियामक प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला किया है और 24 अक्टूबर को SEBI और TRAI के प्रमुखों को तलब किया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय और संचार मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी प्रमुख संसदीय पैनल के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार SEBI की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी के प्रतिनिधि भी पैनल के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि संसदीय व्यवहार में अघोषित परंपरा यह है कि जब भी किसी संस्थान के प्रमुख को बुलाया जाता है तो उसे संसदीय पैनल की ब्रीफिंग में उपस्थित होना पड़ता है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद न्याय की मांग कर रहे आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम को राज्य संचालित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में
अपना पूर्ण काम बंद वापस ले लिया है, लेकिन साथ ही धमकी दी है कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार 24 घंटे में उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो वे आमरण अनशन शुरू कर देंगे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आंदोलनकारी डॉक्टर देवाशीष हल्दर ने कहा कि हम अपना पूर्ण काम बंद वापस ले रहे हैं और ड्यूटी पर लौट रहे हैं, लेकिन हम अपना धरना जारी रखेंगे। हम राज्य प्रशासन को अपनी मांगें पूरी करने के लिए 24 घंटे का समय देंगे और अगर हमारी मांगें 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं होती हैं तो हम भूख हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार हो रही बूंदाबांदी के बीच जूनियर डॉक्टरों ने इस दौरान अपने हाथों में एक बड़ी घड़ी थामे हुए अपनी मांगों को दोहराया। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की उनकी मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, इसलिए वह और लद्दाख के अन्य प्रदर्शनकारी शनिवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें कि वांगचुक दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे जो एक महीने पहले लेह से शुरू हुई थी। पदयात्रा का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी ने किया था जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले 4 वर्षों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में इसे शामिल करने के लिए आंदोलन चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस सुझाव को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री या अगली निर्वाचित सरकार की शक्तियों में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का यह बयान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के नौकरशाहों से आने वाली निर्वाचित सरकार को और अधिक कमजोर करने के किसी भी दबाव का विरोध करने के लिए कहा था। अब अब्दुल्ला के एक्स पर पोस्ट के जवाब में शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि श्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भ्रामक और अटकलबाजी वाला है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं और भारी मात्रा में स्वचालित हथियार बरामद हुए हैं। एएनआई के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दंतेवाड़ा सीमा पर स्थित माड़ इलाके में हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें अब तक 28 शव मिलने की जानकारी है और कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह अब तक का बहुत बड़ा अभियान हुआ है। मैं हमारे जवानों को इस सफलता के लिए बहुत बधाई देता हूं। हम उनके साहस को नमन करते हैं। हम पहले भी माओवादियों से कहते आए हैं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की धारा से जुड़ें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। माओवादी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का समापन होने वाला है। इसराइल लेबनान में अपना ऑपरेशन थीमा नहीं कर रहा। लेबनान के सिविल डिफेंस ने दावा किया है कि इसराइल ने वहां उन राहत कर्मियों को चेतावनी दी है जो उन इलाकों में जा रहे हैं जहां भारी तबाही हुई है। इसराइल ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो दक्षिणी लेबनान में उसके हमले में ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में दबे लोगों को बचाने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाहिया के रिहायशी इलाके में हमले के बाद सिविल डिफेंस विभाग को एक चेतावनी मिली है। इसमें कहा गया है कि इस इलाके में 72 घंटों के दौरान जाने वाली किसी भी टीम पर अटैक किया जाएगा। आपको बता दें कि इसराइल ने पूरे दक्षिणी लेबनान और बैरूत में हेल्थ वर्करों और रेस्क्यू टीम पर हमले किए हैं। इनमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसराइली हमलों में 57 लोगों की मौत हो गई और 188 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइली हमले में मारे गए लोग इस्लामिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। ये संगठन हिजबुल्ला से संबंधित है। ये विस्थापित लोगों के लिए हेल्थ सर्विस मुहैया करा रहा है। ये राहत और बचाव कार्य में भी मदद कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासन ने इसराइल की मुझसे ज़्यादा मदद नहीं की, किसी ने भी उनका इतना साथ नहीं दिया है। मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को
इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पीटीआई के अनुसार बाइडेन ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि क्या इसराइल युद्ध विराम पर सहमत ना होकर 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।